मथुरा से है। मथुरा रिफाइनरी में मंगलवार के दिन बड़ा हादसा होने से टल गया। ताजा मामला इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी का है, जहां मथुरा रिफाइनरी में 40 दिवसीय शटडाउन का कार्य पूरा होने पर प्लांट स्टार्टअप करने की तैयारियां की जा रही थी। इसी बीच मंगलवार की शाम 7 बजे के आसपास मथुरा रिफाइनरी की एवीयू यूनिट में फर्नेस ब्लास्ट हो गई, जिसमें 8 लोग झुलस गए। फर्नेस ब्लास्ट में झुलसे हुए घायलों को प्रथम उपचार के लिए मथुरा रिफाइनरी अस्पताल में भेज दिया गया। आग से झुलसे हुए 8 लोगों में से 5 लोगों को मथुरा रिफाइनरी अस्पताल में एडमिट कर लिया गया है। 20% से अधिक और 50% से कम झुलसने पर बेहद उपचार के लिए दिल्ली के अपोलो अस्पताल में किया गया रेफर। सर बताइए, रिफाइनरी में कोई दुर्घटना होगी क्या है? देखिए, रिफाइनरी में पिछले कुछ समय से शटडाउन चल रहा था, जो रिपेयर होता है लगभग 4-5 साल पे इसका रोस्टर होता है, तो रिपेयर के बाद आज प्लांट चलाया गया था, तो कुछ वहाँ टेक्निकल कारणों से फायर हो गया था, जिसमें 8 लोग हल्के से जले हैं, जो 8 से 10% बर्न हुए हैं, जिसमें से 5 लोगों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है और 3 लोगों को यहाँ से रेफर किया गया है। यद्यपि वो भी सभी 8 से 10% की है, लेकिन चूंकि बेहतर इलाज के लिए उनको बाहर रेफर किया गया है। बाकी सारी स्थितियों पर निगाह रखी जा रही है और प्रशासन लगातार रिफाइनरी एडमिनिस्ट्रेशन से समन्वय बनाए हुए हैं। दुर्घटना का कारण क्या रहा? देखिए, अभी तो तकनीकी चीज है, अभी चूंकि तात्कालिक अभी है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको बेहतर इलाज मिले, बाकी कारणों की जांच रिफाइनरी प्रशासन इसको कराए। मैम, आज एक रिफाइनरी में घटना हुई है, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ निकल कर आया है? जी, आज रिफाइनरी में घटना हुई है। इसमें हमारा, सभी जानते हैं कि हमारा शटडाउन चल रहा है अभी रिफाइनरी का, और लास्ट में स्टार्टअप एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें हमारा जो मदर यूनिट है एवीयू, आज उसमें स्टार्टअप एक्टिविटीज चल रही थी, जिस दौरान एक ये इंसिडेंस हुआ जिसमें फायर हुआ है। और वहाँ जो काम करने वाले हमारे 8 साथी थे, जिसमें 3 हमारे रिफाइनरी एम्प्लॉयज़ हैं और 5 जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, उन लोगों को बर्न इंजरीज हुई हैं, और उनमें से 3 लोगों को हमने अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया है, बाकी 5 जो हैं हमारे रिफाइनरी नगर में जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। माइनर इंजरीज हैं जिन्हें हमने अपोलो भेजा है, उनमें से 1 को तकरीबन 45% की बर्न इंजरी है, बाकी 2 लोगों को 30% से भी कम है, पर बेहतर इलाज के लिए हमने उन्हें अपोलो रेफर किया है। और जो साथी हमारे यहाँ पर एडमिट हैं हमारे टाउनशिप हॉस्पिटल में, उन लोगों को 20% से भी कम की माइनर बर्न इंजरीज हैं, उन सभी का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है, और हादसे का जो कारण है वो कारण की हम जांच कर रहे हैं। मैडम, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाह चल रही है, बहुत लोगों की मौत भी बताई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसमें, क्या स्पष्टीकरण है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है, कोई मौत नहीं हुई है, ये मेजर फायर नहीं था, इसे हमारी टेक्निकल टर्म में माइनर फायर कहा जाता है, जिसे हमने 10 मिनट में ही कंट्रोल कर लिया था। इसमें हमारे अंदर की जो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं, फायर टेंडर्स हैं, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया, बाहर से भी किसी तरीके के फायर टेंडर्स की जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो ये एक माइनर इंसिडेंस था, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इतने सारे लोगों के साथ कुछ घटना हुई है, पर इसमें केवल 8 माइनर बर्न इंजरीज हैं, जिन सभी का इलाज हम करवा रहे हैं। देखिए, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तो हम सभी लोग इन्वॉल्व हुए अपने साथियों के बेहतर ट्रीटमेंट के लिए। अब इसकी जांच समिति बैठेगी और फिर हम इसकी जांच करवाएंगे, तब हमें इसके कारणों का पता चलेगा।